तकलीफ आ जाए तो उस पर सबर करना। जब ये तीनों तरह का सबर बंदा करता है फिर अल्लाह फरमाते हैं अब अल्लाह उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमा देते हैं। जब सबर ताकत में भी हो, सबर मासियत से भी हो और सबर मुश्किलात में भी, ये महीना ये प्रैक्टिस कर रही है। और आज का दिन आया, ईद का दिन आया, तो ईद के दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाहते हैं कि मेरे बंदों तकलीफ आए तो सबर करो, खुशी मिले तो शुक्र करो, तकलीफ आए तो सबर करो, खुशी मिले तो शुक्र करो। नाचना नहीं है, बदला नहीं डालना है, बल्कि उसके लिए दो रकअत नमाज पढ़नी है कि अल्लाह तूने खुशी दी, तूने खुशी दी है। कोई पता ही चला कि जब भी कोई अच्छी खबर मिले, तकलीफ की मिले, तो भी मस्जिद की तरफ, नमाज की तरफ आओ, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। और जब अच्छी खबर मिले, कोई खुशी मिले, तभी नमाज की तरफ शुक्राना अदा करो, अल्लाह तेरा कर्म है कि तूने हमें ये खुशी अदा फरमाई। फरमाया हाँ हाँ, जिन्हें हम ये अदा करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला से पूछा गया कि आप बताएं कि खुश नसीब कौन है, खुशबख्त कौन है। अगर ये सवाल आज हमने किसी से किया जाए तो हमारा जवाब ये होगा कि जिसने पंजे पुत्र पाल और बड़े अच्छे सेट और पढ़ा नसीब होगा, या उससे कोई और। लेकिन सैयदना अली जिसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे इल्म का शहर हुआ की दरवाजा है, पूछा गया सैयदना अली से नसीबों वाला कौन है, बख्तों वाला कौन है, खुशनसीब कौन है, तो सैयदना अली ने बड़ा अजीब जवाब दिया। फरमाया कि वो बड़े नसीबों वाला है, वो बड़ी किस्मत वाला है, वो बड़ा खुशनसीब इंसान है, वो बड़े बख्तों वाला है जिसे अल्लाह शुक्र अदा करने वाली जुबान अदा करता है, शुक्र अदा करने वाली जुबान। और ये अपनी बच्चों को, औलादों को इसका मुताबिक बनाओ, उनको आदि बनाओ कि वो शाकिर बने, दर से शुरू करो, कि उनको बताओ कि अगर कोई चीज दे तो वो शुक्र अदा करे, अब्बा कोई चीज लेके आए तो बच्चे को कहें कि वो शुक्रिया करे, वरना सारी जिंदगी लोगों से लेता रहेगा और शुक्राना भी लेता भी रहेगा और शुक्राना भी उसका, क्योंकि शुक्राना तो लिहाजा ये उनको बचपन से सिखाओ शुक्र अदा करना। तो फरमाया वो बड़े नसीबों वाला है जिसे अल्लाह शुक्र करने वाली जबान अदा कर दे। फिर पूछा और क्या हो, फरमाया वो बड़े नसीबों वाला है जिसे अल्लाह जिक्र करने वाला दिल अदा कर दे, जिसे अल्लाह जिक्र करने वाला दिल अदा कर दे। इसलिए आरिफ ने कहा था क्या कि किसका
और जिन दिलों में अल्लाह बसता है उन्हें लोग कहते हैं साहे में दिल है, और दिल तो मुर्गी में भी है, दिल तो चिड़िया में भी है, दिल तो हर इंसान में है, लेकिन पता ये चला दिल अल्लाह के यहां वही कीमती है जिस दिल में मेरा अल्लाह बसता है। जिस दिल में मेरा अल्लाह बसता है वो दिल दिलों का सरदार बन जाता है, वो दिल दिलों का बादशाह बन जाता है। जिन दिलों में मेरा रब बसता है, मेरे काम में एहतराम दोस्तों गुजारिश कर रहा था कि अल्लाह मकरूबा शरीफ ने हमें रमजान मुबारक का महीना अता किया और रमजान का महीना हमें सबर की तलकीन करते हुए, सबर का दस देते हुए हमसे रुख्सत हुआ, एक मुअज्जज मेहमान की तरह हमसे चला गया और आज खुशियां लेकर और जब रमजान के रोजे रखकर बंदा ईदगाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक मलाइका से पूछते हैं, फरिश्तों बताओ कि जिस बंदे ने मजदूरी पूरी की हो उसको क्या मिलना चाहिए। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, जिस बंदे ने मजदूरी पूरी की उस मजदूर को उसका हक पूरा मिलना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, इन्होंने महीना भर रोजे रखकर मुझे राजी कर दिया, आज ये ईदगाह की तरफ जब आए ना तो ये मेरे मेहमान अब आ रहे हैं। तो मलाइका मैंने मुआफ कर दिया, अब ये मेरे मेहमान हैं, अब इनको प्रोटोकॉल तुम दोगे, इनको इज्जत तुम दोगे। अल्लाह क्या इज्जत है, फरमाया जाओ जिन रास्तों से गुजर कर ये आ रहे हैं उन रास्तों में खड़े होकर इन्हें कौन अपमान पेश करो, इन्हें कौन अपमान पेश करो। मेरे काबिले एहतराम दोस्तों जरा मुझे बताओ तो सही कि ये इंसान कल तक जो मबहूस था आज ये इतना महबूब हो गया कि इसे मलाइका गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, इसे सलामी पेश कर रहे हैं, हत्ता के जिब्रील अमीन को कहा आप उतर जाओ, ये मेरे बंदे आ रहे हैं। हजरत अता इब्ने रबा रहमहुल्लाह तआला बड़े अल्लाह वाले और बुजुर्गों में से हैं, फरमाते हैं कि मैं ख्वाब की हालत में हूं, मुझ पर ये मुनकशिफ होती है सूरत हाल कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अता एक आवाज आती है मुझे, फरमाया अता ये मेरे बंदे कैसे हैं कि अगर मेरी तरफ से कोई थोड़ी सी मुश्किल आ जाए हर गली में बैठकर हर चौराहे में बैठकर मेरे शिकवे शुरू कर देते हैं और मैं रब हूं कि रोजाना इनके गुनाहों के बंडल आते हैं, इनकी फाइलें भर भर कर आती हैं, मैं उसका तज़करा मलाइका से भी नहीं करता, मैं उसका शिकवा भी नहीं करता, तो ये कैसे मेरे बंदे हैं कि जिन पर मेरी नियामतों की बरसात है। आज मेरे दोस्तों हम कहां तक कितने नाकदरे हैं, कितने नाशुक्र हैं। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े असबाब अता किए, जिन लोगों को अल्लाह ने बहुत दौलत अता की, आप उनसे जब मिलेंगे पूछेंगे अरबों रुपए का बिजनेस होगा, लेकिन एकदम कहेंगे कि वो बंदे दड़े बड़ी बुरी आदत है, जिस रब ने दिया उसकी गैरत जोश में नहीं आती, इसको मैंने क्या कुछ अता किया और इसके बावजूद ये वहीं से बोल रहा है। मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं, ये बिल्कुल क्योंकि पीछे से रात आ रहे वरना मैंने रात तो भी बढ़ा लेनी थी, तो ये चंद मिनट आप रात से गुजारिश होगी कि ये दो मौके हैं जहां पर हम जाने वालों के लिए आप रात से हमेशा जो वो अपील किया करते हैं, तो ये हजरात आपके पास हमेशा आते हैं, आज भी आ रहे हैं चौधरी करीम साहब ने शुक्रिया।
प्रदीप साहब हैं, मसूद साहब हैं, मुमताज साहब हैं, सूफी एजाज साहब हैं, पीपल के दोनों तरफ साहब के कैदियों में, सूफी खालिद साहब हैं, सरकत उल्फार साहब हैं, सूफी खालिद साहब बनिया वाले हैं, और उल्फार साहब सूफी आरफ साहब सूफी अब्दुल सदात मस्जिद के सहन में ये दरमियान शर्त में आ जाएंगे। चौधरी जमील साहब, असद तरीन साहब, जमील बनिया वाले, कारी अहमद साहब बुरा वाले, सूफी आरफ साहब और जो है वो साकिब नज़ीर साहब आफत नवाज साहब और सूफी मोहम्मद आजाद साहब ग्राउंड और दूसरे जो है वो ये ग्राउंड और ग्राउंडों में आ जाएंगे। तो आप तमाम हजरात इनके साथ जो है वो इस पर प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो गुजारिश कर रहा था मेरे काबिल एहतराम दोस्तों कि अल्लाह तआला शरीफ की जहाँ बेपनाह नियामतें हैं उन नियामतों की शुक्रगुजारी करने वाले अगर हम बन जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे कितनी नियामतें दी हैं। सबसे पहले अल्लाह ने आज़ाद सलामत दी है, ये कितनी बड़ी नियामत है। अगर इस नियामत का पता करना है तो जिसको टांगे नहीं है उससे पूछो कि टांगे कितनी बड़ी नियामत है। अगर जिनको आंखें हैं जिनको आंखें नहीं है उनसे पूछो आंख कितनी बड़ी नियामत है। जिनको जबान नहीं है उनके से जाके पूछो जबान कितनी बड़ी नियामत है। जो बहरे हैं उनसे जाके पूछो कान कितनी बड़ी नियामत है। लिहाजा ये नियामतें अल्लाह ने दी तो इसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो क्या कहना है बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह का करम है उसने सही जिस्म दिया इंसान बनाया और फिर उसके बाद मुस्तफा का उम्मती बनाया। इसमें कोई मैंने कोशिश की आपने कोशिश की हम अपनी पसंद और अपनी मर्जी से आए ये मेरे अल्लाह का करम है उसका फजल है कि उसने महबूब दो आलम का उम्मती बनाया ये उसका एहसान है ये उसका करम है कि महबूब दो आलम जैसा नबी हमें अता किया जिसका उम्मती बनने के लिए अंबिया दुआ करते हैं उसका उम्मती अल्लाह ने हमें बनाया ये उसका करम उसका फजल है। और फिर एक और बड़ी नियामत और उस नियामत की हमें कदर नहीं और वो नियामत है आजादी की। अल्लाह ने हमें आजाद वतन दिया आजाद रियासत दी। अगर आज इस नियामत की कदर पता करना चाहते हो तो मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमान से पता कराओ कि आजादी कितनी बड़ी नियामत होती है आजादी कितना बड़ा इनाम हुआ करता है। आप कश्मीर में इस आजादी के लिए अपनी जान माल इज्जत आबरू जो कुछ उसके पास था सारा लगा दिया तर दिया सारा लेकिन कभी तक उसे मंजिल नहीं मिली। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अकाबर की ओर इन कब्रों को अपना पर फरमाए कि जिनकी मेहनत तो कोशिश और कामशों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये आजादी वाली नियामत अता की। तो क्या कहना है अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका कर्म है ये उसका फजल है। और जो कौमें अल्लाह की नियामतों की शुक्रगुजार हुआ करती हैं अल्लाह उन पे अपना कर्म जारी रखता है। फरमाया वाला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम जो जो नियामत तुम्हारे पास मौजूद है उस नियामत का शुक्र अदा करते होगे अल्लाह फरमाते हैं मैं उस नियामत में इजाफा करता जाऊंगा उस नियामत में इजाफा करता जाऊंगा। और जो कौम ना शुक्री बन जाती है तो मेरा रब फरमाता है ज़ाबल्लाहु मसलन क़रियतन ज़ाबल्लाहु मसलन मेरा रब बयान करता है एक बस्ती का तज़्किरा। वो बस्ती ऐसी थी वो इलाका ऐसा वो शहर ऐसा यक्ती हाँ इसको हाँ मकान मिलना हर तरफ से रिस के दरवाजे कुशादा हो गए रिस के दरवाजे कुशादा हो गए। अल्लाह वहदहू शरीफ फरमाते हैं उन्होंने शुक्र अदा करने के बजाय कुफ्राने
کفران نعمت میں سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ جو نعمت دینے والا ہے اس کی طرف دھیان نہ کیا جائے۔ آج اگر کسی نے میرا کام کر دیا، کسی نے میرے بیٹے کی نوکری لگا دی، ساری زندگی اس کی چاکری میں گزاروں گا کہ جی میرے بیٹے اور بیٹی کی نوکری کا ذریعہ بنا، لیکن یہ تو ٹھیک ہے شکر گزاری کر، لیکن یہ تو بتا جس نے بیٹا دیا اس کے لیے بھی تو کبھی شکر ادا کیا ہے؟ جو تیرے لیے چار ٹکوں کا ذریعہ بنا اس کی شکر گزاری میں تو ساری زندگی گزار دی، جس نے بیٹا اور بیٹی ادا کیا اس کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب قوم ایسی ہو جاتی ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے۔
बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने इदारे के साथ तआवुन किया है, तब भी आप तआवुन में शामिल हैं। अल्लाह आपके इस हदीये को, आपकी मेहनतों को कबूल फरमाएँ, और जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है उनसे मेरी एक दरख्वास्त होगी, इस इदारे के लिए दुआ जरूर कर लिया करें। ये जो ये काम हो रहा है अल्लाह इसको कबूल फरमाए, हमारे अकाबिर का लगाया हुआ ये पौधा है, अल्लाह इसकी हमेशा से जो है वो हम सबको जो है वो आप यारी करने की तौफीक अता फरमाए। जिन जिन हजार ने तआवुन किया अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह शरीर से महफूज फरमाए। जितने हजार के नाम अगर गिनना शुरू करेंगे कौन कौन लोग जो हम में थे आज नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत वक्त लगेगा। इज्तमाही तौर पर सबके लिए दुआ करते हैं तो मेरे ख्याल में अक्सर हजार आगे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, वक्त हमने आर्ट कर दिया था, लेकिन 15 मिनट जो है वो आप हजार का इंतज़ार किया। इस पर मैं माजरत खा भी इसलिए हूँ कि वक्त हमने दिया, लेकिन आपसे इसलिए कि आप तारीख से आ रहे हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें कि वक्त में आए ताकि हम वक्त